विगत दिनों महू के भेरूलाल पाटीदार महाविद्यालय में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जिसके बाद एसडीएम ने शिलालेख पर लिखे नाम को काले रंग से मिटा दिया है, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने एसडीएम के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेसियों ने डोंगरगांव चौकी पर ज्ञापन सौंपा है। उक्त ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि एसडीएम अंशुल गुप्ता द्वारा महात्मा गांधी और प्रदेश के मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री का अपमान किया गया है। दरअसल भेरूलाल पाटीदार महाविद्यालय में जनभागीदारी नहीं होने पर अध्यक्ष पद का प्रभार महू अनुविभागीय अधिकारी को दिया गया है, जिसके चलते महात्मा गांधी की मूर्ति के अनावरण के शिलालेख पर जनभागीदारी अध्यक्ष के रूप में उनका नाम लिखा गया था, परंतु अनावरण के पश्चात महू एसडीएम द्वारा उस नाम को काले रंग से मिटा दिया गया है। जो वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी अंशुल गुप्ता जी जो है, जिन्होंने एक महात्मा गांधी जी का अपमान किया है, तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान किया, उच्च शिक्षा मंत्री जी का अपमान किया है, जो शिलान्यास पर उनका नाम लिखा था, उसके भी जनभागीदारी का अध्यक्ष नहीं बन पाए, इसलिए अनुभागीय अधिकारी को जनभागीदारी का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जनभागीदारी अध्यक्ष के नाम जब उनका नाम लिखा हुआ था, वो ऑलरेडी प्रोटोकॉल में आता है उनका नाम लिखना, जिसलिए लिखाया गया था वो शासन द्वारा लिखाया गया था, जिस पर उन्होंने कालीन पोतने का काम किया, मतलब पूरे शिलान्यास पर कालीन पोतने का काम किया, ये महात्मा गांधी जी का अपमान है। इसके खिलाफ भेरूलाल जी पाटीदार डिग्री कॉलेज के अंदर अपने महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण रखा था, उनके पुण्यतिथि पर पूरे शासन द्वारा, पूरे प्रदेश में शासन द्वारा हर विद्यालय में महात्मा गांधी जी के एक विचार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था सर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कांग्रेसियों ने एसडीएम के विरुद्ध मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जेएसआर टाइम्स के लिए महू से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।